एवरीबडी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया जंबो साइज़ का बटर चिकन रोल, बिल्कुल मॉन्जिनिस की तरह। एंड ये बनाना बहुत ही इजी है एंड बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इसके लिए मैंने 30 ml ऑयल ले लिया, वेजिटेबल ऑयल। एंड उसमें ना चॉप्ड अनियन डालना है एंड उसको फ्राई करना है जब तक वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अनियन को डालने के बाद ना हम इसमें इसको थोड़ा सॉटे करने के बाद इसमें हम बटर डालेंगे 1 teaspoon भर के। एंड बटर मेल्ट होने तक उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तब तक ना अनियन ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। जैसे अनियन ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना, हम उसमें अदरक लहसुन एंड मिर्ची का एक पेस्ट बनाएंगे एंड वो पेस्ट भर के 2 tablespoon डालेंगे। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, जस्ट कलर आता है, इसमें उतना तीखा नहीं लगता। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसका जैसे ही अच्छे से अरोमा बाहर आएगा, उसमें तो भी चॉप टमाटो डालना है एंड टमाटो को फ्राई होने देना है, अच्छे से उसको पकने देना है जब तक वो नरम ना हो जाए, तब तक उसको अच्छे से मिलाना है एंड उसको पकाना है। इस ये जो मसाला जब बनाएंगे ना, इसको थोड़ा कंटिन्यूस स्टरिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये नीचे पकड़ सकते नहीं तो। एंड उसके बाद हम ना बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन ऐसे छोटे छोटे पीस करके ऐड करेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रेड के अंदर जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा पीस रहेगा तो ना वो नहीं अंदर बैठेगा। तो उस जब तक चिकन वाइट ना हो जाए, हाफ कुक ना हो जाए, तब तक उसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे वो हाफ कुक हो जाए ना, उसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon भर के देंगे एंड उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। एंड सॉल्ट ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पका लेना है। और जैसे ये पूरा मिला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, देन आपको सूखे मसाले डालना है। उसमें मैंने 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon मिर्ची पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर डाला है, धनिया पाउडर। एंड उसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। उसको अच्छे से पका लेने के बाद कसूरी मेथी को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके, क्रश करके उसमें डालना है एंड उसको ढक के थोड़ा पकाना है। उसको जब तक ढक के पकाएंगे ना, तब तक हम एक मैजिक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें हमने डाला है वाटरमेलन का सीड 1 teaspoon, 1 teaspoon काजू एंड 2 teaspoon दही। ये प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसका एक पेस्ट बना लेंगे। अभी जैसे ये पक जाएगा ना, ढक के पकाने के बाद कम्प्लीटली पक गया है, उसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। एंड ये पेस्ट डालने के बाद जस्ट लुक एट द कलर, कितना अच्छे से वो कलर उभर के आ रहा है, जस्ट लाइक द मॉन्जिनिस का बटर चिकन रोल। एंड उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं अगर वो बहुत ही सूखा हो रहा है तो। तो उसके बाद उसको अच्छे से पका लेना है, जब तक इसका ऑयल ना आ जाए तब तक उसको बहुत अच्छे से पका लेना है। एंड ये प्रोसेस है ना, पूरा मीडियम फ्लेम में होगा। पूरा जो बनाया है ना हमने अंदर का मसाला, वो पूरा मीडियम फ्लेम में रख के ही बना है। फिर हम उसमें 1 teaspoon शक्कर डालेंगे जस्ट बिकॉज ये ब्रेड में जाएगा, एंड गरम मसाला फॉर द टेस्ट। एंड देन उसको मिला के थोड़ा उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जैसे ही ऑयल यूज आउट हो जाएगा ना, आपका मसाला बन के तैयार हो गया, आपका जो बटर चिकन है ब्रेड के लिए वो बन के तैयार हो गया। ये जो मैंने लास्ट में बटर डाला है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं अगर आपको चाहिए तो आप नहीं भी डाल सकते। एंड आपको अगर चीज़ वगैरह पसंद है तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, नहीं तो हमने ऊपर से टॉपिंग किया था। हमें ये जंबो साइज़ का बटर चिकन रोल बनाना था, इसलिए वी हैव बॉट दिस लार्जेस्ट ब्रेड जो मार्केट में मिला। एंड देन उसमें उसको ना अच्छे से कट करके बीच में से हमें गैप बनाना है। तो आप थोड़ा ब्रेड ना अंदर से निकाल भी सकते हैं, बट हमने ना प्रेस करके उसको अच्छे से बिठा दिया था। एंड उसमें एक सॉस डाला था, वो सॉस ना मिक्सचर है टमेटो सॉस, मेयोनीज एंड चिल्ली सॉस का। एंड उसको अच्छे से हमने स्प्रेड आउट किया था पूरे ब्रेड में। एंड देन उसमें लेटस डाला था भर के, बिकॉज आई लव लेटस एंड इट इज़ द हेल्दी हिंट इन इट। एंड उसमें फिर मैंने भर के हमारा बटर चिकन डाल दिया। बटर चिकन अच्छे से भर भर के डाला है उसमें। एंड देन ऊपर से भी वो सॉस ग्रिजल कर दिया। इसमें भी भर के चीज़ डालेंगे ग्रेट करके। एंड ऑल वेजिटेरियंस आउट देयर, यू कैन ट्राई इट विद पनीर, एग्जैक्ट वैसा लगेगा, बहुत डिलीशियस लगेगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।